दोस्तों ट्रेंडिंग नाउ में आपका स्वागत है। दोस्तों आप स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं या फिर आप किसी भी कंट्री में पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों ही केसेस में आपको इंग्लिश का टेस्ट यानी कि आईलेट्स क्लियर करना ही पड़ेगा। मगर वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आईलेट्स के बारे में कुछ डेटा शेयर करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में 15,000 से ज़्यादा ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो आईलेट्स के स्कोर को मान्यता देते हैं और आईलेट्स के स्कोर के बेस पर ही आपको एडमिशन के लिए वैलिड मानते हैं। पूरी दुनिया में आईलेट्स के 200 से ज़्यादा टेस्ट सेंटर्स हैं। सिर्फ 2019 में ही 3 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 30 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आईलेट्स का टेस्ट दिया और अपने सपनों को साकार किया। सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ही नहीं बल्कि US, UK, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसी बहुत सारी और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं जहां पर एम्प्लॉयर्स आईलेट्स के टेस्ट को वैलिड मानते हैं। मगर दोस्तों इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी हर एक रिसर्च वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईलेट्स के मॉड्यूल कौन कौन से हैं, फिर हम आगे जाकर देखेंगे कि आईलेट्स टेस्ट की प्रेपरेशन कैसे करें ताकि आप हाई बैंड सिक्योर कर सकें। आईलेट्स के प्रेपरेशन का सबसे पहला स्टेप है कि आपको आईलेट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों आईलेट्स की दो टाइप्स होती हैं, पहला है एकेडमिक और दूसरा है जनरल ट्रेनिंग। अगर तो आप किसी दूसरे देश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं और स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको एकेडमिक आईलेट्स के लिए तैयारी करनी चाहिए, और अगर आप PR के लिए या फिर जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको आईलेट्स जनरल की तैयारी करनी पड़ेगी। दोनों ही टाइप्स की आईलेट्स में टोटल 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। दोस्तों आईलेट टेस्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कोई फेल या पास नहीं होता। आपका रिजल्ट जो है वो 9 बैंड्स के स्केल पर आधारित होता है। इसका मतलब ये है कि चारों मॉड्यूल्स में जो भी आपने स्कोर किया है और उसका जो एवरेज निकल कर आता है वो आपका आईलेट्स बैंड्स होता है, और इसी बैंड के आधार पर आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाता है। दोस्तों आईलेट्स का जो रिज़ल्ट होता है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। आप आईलेट टेस्ट की और डिटेल्ड में अगर जानकारी जानना चाहते हैं तो आप आईलेट्स की वेबसाइट ielts.org पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इन चारों मॉड्यूल्स को बारी बारी करके देखते हैं कि इसका कंटेंट क्या होता है, इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है ताकि आप हाई बैंड सिक्योर कर सकें ईच मॉड्यूल में। दोस्तों सबसे पहला है लिसनिंग। मेरी रिसर्च के अनुसार सबसे इजी और स्कोरिंग मॉड्यूल है लिसनिंग। अगर आप इसमें हाई स्कोर करते हैं तो आपका ओवरऑल आईलेट्स बैंड काफ़ी अच्छा होगा। इस मॉड्यूल का टेस्ट 40 मिनट का होता है और इसमें पूरे 4 सेक्शंस होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं। लिसनिंग के टेस्ट में दोस्तों आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाती है और एक आंसर बुकलेट दी जाती है। आपको इस ऑडियो क्लिप को बड़े ही ध्यान से सुनना होता है और आंसर को उस बुकलेट में लिखना होता है। या तो उस पर मल्टीपल टाइप आंसर्स होंगे या फिर फिलिंग दी ब्लैंक्स होंगी। आपको ऑडियो सुनते हुए ही इसका आंसर देना होता है। ऑडियो सिर्फ एक बार ही प्ले की जाती है, इसलिए आपको पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको फॉलो करते हुए आंसर देना होता है। दोस्तों अगर कोई आंसर स्किप हो जाए तो आप आगे की ऑडियो पर ध्यान दें ताकि अगला क्वेश्चन स्किप ना हो जाए। लिसनिंग का स्कोर आपके ओवरऑल आईलेट्स बैंड्स पर काफ़ी इम्पैक्ट डालता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और हाई स्कोर करें। इस मॉड्यूल में आपका टारगेट है कि 32 से 36 करेक्ट आंसर्स करें ताकि लिसनिंग में आपका 8+ बैंड्स सिक्योर हो सके, और इसी के बेस पर आपका ओवरऑल बैंड जो है आईलेट का बैंड जो है वो निर्धारित होगा। दोस्तों अगला मॉड्यूल है रीडिंग। दोस्तों जो रीडिंग का सेक्शन होता है वो 60 मिनट्स का होता है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं और इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने स्कूल के टाइम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया होगा, यह वैसा ही टेस्ट होता है।
लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मोस्टली जो पैराग्राफ होते हैं वो ऑथेंटिक मैगजीन्स, न्यूज़पेपर या पब्लिश रिपोर्ट से ही लिए जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप फॉरेन इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, जैसे कि यूके बेस्ड न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ, बीबीसी इंग्लिश, ब्रिटिश मीडिया एट्सेट्रा। अगर आप 8+ टारगेट कर रहे हैं तो आपको आइलेट्स रीडिंग में 32 क्वेश्चंस करेक्ट करने ही होंगे। इसके लिए आप कई टेक्निक्स जैसे स्किमिंग, रीडिंग, स्कैनिंग, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी टेक्निक्स के बारे में दोस्तों मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। दोस्तों अगला मॉड्यूल है राइटिंग। इसका टेस्ट भी 60 मिनट्स का होता है। दोस्तों इसके दो वर्जन्स हैं, यानी कि एकेडमिक आइलेट्स और जनरल ट्रेनिंग आइलेट्स। इन दोनों का राइटिंग का टेस्ट जो है वो अलग अलग होता है। एकेडमिक वर्जन में आपको दो टास्क दिए जाते हैं। पहला ये कि आपको कोई ग्राफ या चार्ट दिया होगा, आपको उसे डिटेल में डिस्क्राइब करना होगा। दूसरा टास्क यह होगा कि आपको एक प्रॉब्लम या सिचुएशन बताई जाएगी और आपको उस पर एक एसे लिखना होगा। अगर हम जनरल की बात करें तो इसमें आपको एक प्रॉब्लम बताई जाएगी और इस पर आपको एक लेटर या एप्लीकेशन या ईमेल लिखना होगा। जनरल में दूसरा टास्क होगा एसे राइटिंग का। दोस्तों इस टेस्ट में आपकी ग्रामर, वोकेबलरी, स्पेलिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन, इन सभी चीज़ों को टेस्ट किया जाएगा। इसमें आपने ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी पर ध्यान दें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फॉर्म करें। ऐसे राइटिंग में आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए कोई फैक्ट या पब्लिश रिपोर्ट या फिर किसी न्यूज़ को रेफ़र करें। ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल ना करें। लास्ट के 10 मिनट ग्रामर और स्पेलिंग रिव्यू के लिए बचा कर रखें। दोस्तों हमारा अगला मॉड्यूल है स्पीकिंग। दोस्तों जो राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग का टेस्ट होता है वो एक ही दिन में होता है, मगर जो स्पीकिंग का टेस्ट है उसके लिए आपको 10 से 12 दिन का गैप दिया जाता है और उसका टेस्ट अलग से होता है। तो आपके पास पहले और दूसरे फेज़ में अराउंड 1 or 2 वीक्स का गैप है, जिसमें आप अपनी स्पीकिंग का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेपरेशन कर सकते हैं। और अगर हम इस टेस्ट की बात करें तो स्पीकिंग का टेस्ट जो होता है वो अराउंड 10 to 15 मिनट्स का होता है। इसमें एग्जामिनर जो है वो आपकी स्पीकिंग कैपेबिलिटीज़ को चेक करता है। दोस्तों इस टेस्ट की शुरुआत में आपका एक बेसिक सा इंटरव्यू लिया जाएगा और जो कि 2 से 3 मिनट चलेगा। इसके बाद आपको एक क्यू कार्ड दिया जाएगा जिसमें कोई रैंडम टॉपिक लिखा होगा। उसके लिए आपको 2 मिनट दिए जाएंगे ताकि उस पर आप कुछ प्लान कर सकें, और फिर आपको पूरे 2 मिनट दिए जाएंगे उस टॉपिक पर कुछ बोलने के लिए। जैसे ही आपकी स्पीकिंग ख़त्म होगी तो जो एग्ज़ामिनर है उस टॉपिक के आधार पर आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है। दोस्तों एक बड़ी ही ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एग्ज़ामिनर जो है आपकी एक्सेंट पर ध्यान नहीं देंगे। उनका मोटिव होगा कि आपकी प्रोनंसिएशन कैसी है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी है, ग्रामर कैसी है, फ्लुएंसी कैसी है और कॉन्फिडेंस कितना है। तो दोस्तों ये थे आइलेट्स के 4 मॉड्यूल्स। आगे इस वीडियो में हम देखते हैं कि इन 4 मॉड्यूल्स की आपने प्रेपरेशन कैसे करनी है, आपकी स्ट्रेटजी कौन सी हो ताकि आप हाई से हाई बैंड सिक्योर कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। दोस्तों आइलेट्स जो है वो एक इंग्लिश का टेस्ट है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मिनिमम 2 से 3 मंथ्स के लिए इसकी प्रेपरेशन करें। इसकी प्रेपरेशन के लिए आप कोई आइलेट्स सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, या फिर YouTube पर भी बहुत सारी फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। मगर तीनों ही केसेस में आइलेट्स की सफलता का राज होगा आपकी प्रेपरेशन, आपकी प्रैक्टिस कितनी है। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आप सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश पेपर्स पढ़ें, ब्लॉग पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, जैसे कि BBC, द टेलीग्राफ, CNN एट्सेट्रा। लिसनिंग इम्प्रूव करने के लिए आप इंग्लिश BBC, CNN या इंग्लिश मूवी देख सकते हैं। राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप लेटर्स, ईमेल या ब्लॉग्स लिखें। अपनी वोकेबलरी को बढ़ाने के लिए आप
बुक्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि जो मैं फॉलो करता हूँ वो है वर्ड पावर मेड इजी। ये बहुत ही अच्छी बुक है और आप 2 से 3 मंथ्स में ईजिली 1500 वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, लिसनिंग और रीडिंग में स्पीड बहुत ही आवश्यक है, तो इसलिए आप स्पीड इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स जैसे स्किमिंग, स्कैनिंग, रीडिंग आइडिया जैसे टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्री हैं और फ्री के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। आप उन टेस्ट का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। दोस्तों, ये सभी बेसिक टेक्निक्स हैं। आपकी सफलता सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेपरेशन और आपने कितने मॉक टेस्ट दिए हैं इस पर निर्भर करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको आइलेट्स के फ्री रिसोर्सेज की लिस्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इन सभी फ्री रिसोर्सेज को आपको आपकी ईमेल पर सेंड कर सकता हूँ। बहुत सारी PDF फाइल्स हैं, वीडियो हैं, ऑडियो क्लिप्स हैं जिसको आप फॉलो करके आप आइलेट्स में हाई बैंड स्कोर कर सकते हैं। गुड लक दोस्तों।